नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेष लगन के लिए वक्री बुध का क्या प्रभाव रहेगा सन 2020 में। तो जो बुध ग्रह हैं ये आपको 2020 के दौरान ये तीन बार वक्री होंगे, यानी ये वक्री चाल से चलेंगे तीन बार। सबसे पहले इनका जो वक्री का जो काल रहेगा वो 17 फरवरी 2020 से 10 मार्च 2020 तक मीन और कुंभ राशि में, यानी कुंभ और मीन राशि में वक्री रहेंगे। दूसरा जो इनका चरण होगा वक्री होने का वो 18 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक कर्क राशि में ये वक्री होंगे। साथ ही साथ जो इनका अंतिम वक्री होने का काल रहेगा सन 2020 में वो रहेगा 14 अक्टूबर से 3 नवंबर 2020 तक तुला और वृश्चिक राशि में। तो यहाँ इस वीडियो में हम सबसे पहले वाला जो काल है 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2020 तक, जब ये कुंभ और मीन राशि में वक्री रहेंगे तब की बात करेंगे। और यहाँ पर आप इस वीडियो को लगन के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आप राशि के अनुसार वीडियो ना देखें, आप लगन के अनुसार वीडियो देखें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बुध जैसा प्लैनेट जब भी वक्री होता है तो बुध वाणी का कारक है, बुध हमारा जो धन का कारक भी है। साथ ही साथ इससे हम एजुकेशन को देख सकते हैं, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ें, पर्सनैलिटी भी इससे देखी जाती है। और हमारा बिहेवियर, हमारी जो आवाज़ है वो भी इस पर डिपेंड करती है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बुध पर डिपेंड करती हैं। तो बुध के बारे में ये कहा जाता है, जब बुध वक्री होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये चीज़ों को स्लो तो करते ही हैं, साथ ही साथ दिस ग्रह के साथ ये बैठेंगे, यानी इनके साथ जो ग्रह उसी भाव में जिसमें ये वक्री हो रहे हैं उसी भाव में होगा, उसके अनुसार इनके रिजल्ट हैं वो बदलते रहेंगे। तो आप अपने लगन चार्ट में खुद देख लीजिए कि आपके जो बुध हैं वो किस ग्रह के साथ बैठे हैं, साथ ही साथ जब ये वक्री हो रहे हैं तब और कौन से ग्रह की इस भाव में युति हो रही है गोचर से। तो गोचर से आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। अब ज़्यादातर कुंडलियों में ये देखा गया है कि बुध जो हैं वो सूर्य के साथ ही दिखाई पड़ते हैं सेम भाव में, या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो सूर्य के साथ इनका स्थित होना काफ़ी अच्छा रहता है, पर ये कई बार अस्त भी हो जाते हैं सूर्य के ज़्यादा करीब होने से, बहुत बार अस्थि इनको पाया गया है। यहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि होती है, तो ये सप्तम जहाँ पर भी ये वक्री होंगे वहाँ से सप्तम भाव को ये निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ बुध जब भी वक्री होते हैं तो हाँ, देखा गया है कि हमारा जो स्टडी का फील्ड है उसमें हम लगभग कई बार बदलाव करते हैं, जैसे हम कोई स्कूल चेंज कर सकते हैं या कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं वहाँ भी हम कई बार चेंज करते हैं, या हमारा जो स्टडी का फील्ड है वो पूर्णतया बदल जाता है। तो बुध के बारे में ये चीज़ें बोली जाती हैं। साथ ही साथ देखिए, बुध जब भी रेट्रो होते हैं तो ये मिश्रित परिणाम देने वाले होते हैं। लगन चार्ट में ये जो बुध हैं ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार ये रिजल्ट देंगे, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ वक्री जो बुध हैं ये हमारे बिहेव को चेंज करते हैं, हमारे इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। अगर आपके लगन चार्ट में बुध की पोजिशन बहुत ही अच्छी होगी तो वक्री होने के दौरान भी आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे, पर जो रिजल्ट देंगे वो थोड़े स्लो रहेंगे। साथ ही साथ वक्री बुध के दौरान आपका जो व्यवहार है वो पूर्णतया बदला सा नजर आएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने विचारों को भी सही प्रकार से व्यक्त ना कर पाएं। साथ ही साथ बुध जब भी वक्री होंगे तो ये हमारे विचारों को बदलते हैं, बुध हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारी जो आवाज़ है उसमें भी ये बदलाव लाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी प्रभावित करते हैं, इमेजिनेशन को बदलते हैं, क्रिएटिविटी में भी ये बदलाव लेकर आते हैं। और वक्री बुध के दौरान कई बार हम अपने आप को
सही साबित करने के लिए हम व्यर्थ का आर्गुमेंट करने लगते हैं, किसी के साथ तर्क वितर्क में उतर जाते हैं और गलत तरीके से हम आर्गुमेंट करते हैं। वक्री बुध के दौरान या तो आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे या आप बहुत ही कम बोलेंगे, या फिर आप कई बार अपने विचारों को सही प्रकार से व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो हैं बुध का वक्री काल जब भी होता है तो ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब जिस भाव में ये वक्री होते हैं उस भाव के अनुसार रिजल्ट अलग अलग और होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके 11वें भाव में जो मेष लगन वाले हैं उनके 11वें भाव में 11th हाउस में ये वक्री होंगे 17 फरवरी 2020 से 10 मार्च 2020 तक। तो यहाँ पर ये दोनों भाव में यानी आपके 11वें और 12वें भाव दोनों भाव में ये वक्री होंगे। यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट देंगे, सबसे पहले हम 11वें भाव की बात कर लेते हैं। देखिए 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, ये हमारे लाभ का है। साथ ही साथ यहाँ से हम बड़े भाई के साथ जो संबंध हैं उनको देखते हैं, और ये हमारा जो धन आता है हमारे पास, हमारा जो 10th हाउस है यहाँ से हम अपने जॉब को देखते हैं। हमारे जॉब के द्वारा हम अपने काम के द्वारा जो धन कमाते हैं वो हम 11th हाउस से देखते हैं। तो जब भी बुध यहाँ वक्री होंगे आपके 11th हाउस में तो हो सकता है आपका जो लाभ है या आपके पास जो धन आ रहा है वो कम हो जाए या उसमें परिवर्तन जरूर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपके इस भाव को थोड़ा स्लो कर देंगे तो आपको लाभ भी स्लो मिलेंगे, यानी धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ति में भी थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। आपके बड़े भाई के साथ आपकी जो रिलेशन है, आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपकी रिलेशन है उनमें भी आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ रुकावट सी लगेगी। तो यहाँ पर जो बुध हैं, बुध का प्रभाव वैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, 11th हाउस में बुध बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट वैसे बुध देंगे, लेकिन आप अपने लगन चार्ट में देखिए बुध आपके लगन चार्ट में किस ग्रह के साथ बैठे हैं, उसके अनुसार भी रिजल्ट जो है वो अलग अलग रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस 11th हाउस में बुध और कौन से ग्रह के साथ होंगे जब ये गोचर में रहेंगे तब, तो उसके अनुसार भी रिजल्ट में बदलाव होता है। साथ ही साथ यहाँ से इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम हाउस पर रहेगी। पंचम हाउस पर यहाँ सूर्य की खुद की राशि है, सिंह राशि, यहाँ पर ये आपके एजुकेशन के फील्ड में निश्चित रूप से बदलाव करेंगे। आप या तो कोई नया कहीं एडमिशन ले सकते हैं, किसी दूसरे हायर एजुकेशन के मामले में कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपके स्कूल या कॉलेज में आप बदलाव कर सकते हैं, आपके स्टडी के फील्ड में भी आप बदलाव कर सकते हैं, जैसे आप आर्ट्स से साइंस ले लें, या यहाँ पर नहीं, आर्ट्स से साइंस तो वैसे नहीं ले सकते, साइंस से आर्ट्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिजल्ट यहाँ बुध देंगे। साथ ही साथ अगर ये इनकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो आपकी संतान से भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ ये कॉमेडी यानी हंसी मजाक वाले जो ग्रह हैं उसकी तरह भी माने जाते हैं, और ये साथ जो ग्रह होता है इनके उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनको एक छोटा बच्चा और राजकुमार की तरह माना गया है। तो बुध बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे तो रिजल्ट भी उसके अनुसार ही देंगे। अब यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो मनोरंजन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। हाँ, उसके बाद देखिए हम 12वें भाव की बात करेंगे। अब जब बुध का जो रेट्रो पीरियड है वो आपके 12वें भाव में यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तब, तो 12वें भाव में बुध का जाना यहाँ पर धन का वे भाव में बुध का जाना आपके पास पैसा नहीं बचेगा, आपको पैसे का वे होगा। साथ ही साथ आपका फॉरेन से भी कोई संबंध बन सकता है, और अगर आपके बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई तो आपको इतना जो है खराब रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे, पर 12वें बुध हैं तो थोड़ा सा जो है धन का जो संचय है वो कम रहेगा। साथ ही साथ इनकी यहाँ से दृष्टि रहेगी आपके 6th हाउस पे दृष्टि रहने से
आपको यहाँ पर आपको कर्जा लेना पड़ सकता है और कई प्रकार की आपके यहाँ समस्या हो सकती है। श्वास से संबंधित समस्या भी आपको इस दौरान हो सकती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको ये स्लो कर देते हैं। तो इन भावों के जो रिजल्ट हैं पंचम और सिक्स्थ हाउस के, इनको ये स्लो कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आप बुध के जो रिजल्ट हैं उनको देख सकते हैं। हाँ, तो इस वीडियो में हमने चर्चा करी है बुध का जो वक्री काल रहेगा। यहाँ पर ये वक्री रहेंगे 17 फरवरी 2020 से 10 मार्च 2020 तक। कुंभ और मीन राशि में हमने बात कर ली है, ये इनका पहला चरण है वक्री होने का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।